नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। कुछ दिनों पहले शेड्यूल के बुढ़ार के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था महाविद्यालय के प्रशासन को, और उसमें ये मांग रखी गई थी कि महाविद्यालय में व्याप्त जो असुविधाएं हैं उन पर प्रशासन संज्ञान ले और कार्यवाही करे। इसी संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश सचिव हेमंत शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। जी तो सर, मैं सबसे पहले आपसे यही इसी बात से शुरुआत करता हूं कि ये जो आपने कुछ दिनों पहले ज्ञापन सौंपा था और एक प्रदर्शन किया था, तो क्या ऐसी वजहें थी, क्या ऐसे कारण थे कि आपको प्रदर्शन करना पड़ा और ज्ञापन सौंपना पड़ा? देखिए, छात्रित में NSI हमेशा मुद्दे उठाती रही है और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही, और बात रही हमारे शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार की, तो वहां पर ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, अनियमितताएं हैं महाविद्यालय से संबंधित, छात्रों से संबंधित, है ना, जो हमें उठाना हमारे लिए और छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैंने कुछ दिनों पूर्व गया हुआ था, भ्रमण पे गया हुआ था, तो मुझे छात्रों से पता चला कि इस कॉलेज के अंदर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसको अपन ज्ञापन के माध्यम से, प्राचार्य महोदय को हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। जी सर, तो इसमें जो प्रमुख मांगे थी, किस तरह की मांगे थी, क्या क्या आपने मांगे रखी है प्रशासन से? हमने 13 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया था, और हमारी मांगे जो है निम्न प्रकार की थी। जैसे आपका समस्त पाठ्यक्रम जो स्वामित्व और जनभागीदारी मत से संचालित हो रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए, शासकीय किया जाए, एक मुद्दा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि कॉलेज परिसर के अंदर छात्र छात्राओं के लिए टॉयलेट व्यवस्था तो है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं में एक शर्मिंदगी रहती है और कठिनाइयां उत्पन्न होती है। दूसरा और तीसरा पॉइंट आपका ये है कि बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो गणवेश में नहीं आते। चौथा पॉइंट आपका ये था कि बाउंड्री वॉल, वहां की जो कॉलेज परिसर की बाउंड्री वॉल है वो छोटी है, इससे क्या होता है कि चोरी की घटनाएं बनी रहती हैं और अप्रिय घटना होने की भी संभावना बनी रहती है, जिससे हमने महाविद्यालय प्रबंधन को कहीं ना कहीं अवगत कराया, इस समस्याओं के बारे में बताया। और पांचवा आपका ये है कि महाविद्यालय में अभी जैसे प्रवेश लगभग पूरे हो चुके, प्रवेश प्रक्रिया, उसमें कहीं ना कहीं ये है कि पहचान पत्र आवंटित करें, जिससे क्या होता है कि एक मॉनिटरिंग होगी कि हाँ, ये हमारे महाविद्यालय के अंदर के छात्र छात्राएं हैं, उनको पहचान करके उनको एंट्री दिया जाए कॉलेज के अंदर। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी बाहर से आया, चाहे आपका विजिटर हो, आगंतुक हो, कोई भी आया अंदर, प्रवेश के अंदर प्रवेश कर गया और कोई भी बाहर चला गया, ठीक है। ये हमारी पांच मांगे हो गई। छठवी मांगे आपकी ये है कि जो आगंतुक है, आगंतुक क्या होता है, उनके लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाए। आपका सातवां है कि जो आपका महाविद्यालय परिसर है उसका जो तहसील के सामने पार्श्व गेट है, जो आपका पार्श्व में गेट नहीं लगा है, जिससे क्या होता है कोई भी अंदर आ सकता है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। तो ये आपका सात मुद्दा हो गया। आठवां ये है कि पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय में आपका स्नातकोत्तर के पुस्तक नहीं है, जो जरूरी पुस्तक है, इससे समस्याएं होती हैं छात्रों को। नौवां आपका ये है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, हमने पार्किंग सेट के लिए भी उनसे, प्रशासन से मांग किया है, महाविद्यालय प्रबंधन से। और आपका जैसे सबसे बड़ा समस्या है छात्रों को दृष्टिकोण से, जो सुरक्षा की दृष्टिकोण है छात्रों से संबंधित, कि आपका सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरे की हमने मांग किया है महाविद्यालय प्रशासन से, प्रबंधन से जल्द क्या है आपका मुख्य द्वार पे कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि वो बिगड़ा हुआ है, और उसके साथ ही साथ हमने नए कैमरे की भी मांग की है कि 5-6 कैमरे, मतलब निरीक्षण करके आपका कॉलेज परिसर के जो पिछला हिस्सा है वहाँ स्टाफ के अंदर और मेन गेट पे वहाँ निरीक्षण करके कैमरा लगाया जाए। और हमारा जो 11वां मांग था कि हर कक्षा के सामने एक डस्टबिन रखा जाए स्वच्छता अभियान के तहत,
और जी साफ सफाई वहाँ वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि रेगुलर वहाँ साफ सफाई होती रहनी चाहिए। और आपका 13वां है छात्र छात्राओं को के सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस सहायता केंद्र की आवश्यकता है, ये हमारी प्रमुख मांगे थी जिनके माध्यम से हमने जिनके माध्यम से हमने महाविद्यालय प्रबंधन को अवगत कराया ज्ञापन सौंपा। तो सर ये जो महाविद्यालय का प्रशासन है आपकी इन मांगों पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या कुछ मांगे पूरी हुई हैं या अभी नहीं हुई हैं? देखिए हमने जब हमने ज्ञापन दिया था उसी दिन कुछ मांगे हमारी मान ली गई थी, विभिन्न मांगे मान ली गई थी, लेकिन कुछ मांगे ऐसी थी जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में, जैसे आपका कैमरा के लिए उन्होंने त्वरित कार्यवाही की, उन्होंने आदेश दे दिया नए कैमरे लगने के लिए, HD कैमरे लगने के लिए, और पुलिस सहायता केंद्र के लिए भी उन्होंने कार्यवाही की और कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया कि हाँ हम वचनबद्ध हैं, हम कहीं ना कहीं इस छात्रित में कार्यवाही करने के लिए जितना हो सके हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में है और कहीं ना कहीं कार्यवाही कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या इस कॉलेज की ये भी है सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपका सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो स्वामित्व कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय को NAAC द्वारा B+ की उपाधि प्राप्त है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो जनभागीदारी और स्वामित्व मत से संचालित हैं, जैसे आपका हो गया MSA राजनीति, हिंदी और ज्योग्राफी, और MSc से जूलॉजी, केमिस्ट्री इत्यादि ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो स्वामित्व मत से संचालित हो रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों का शासकीयकरण नहीं होने का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं और मोटी रकम शुल्क के तौर पे अदा करना पड़ रहा है। इससे किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? जैसे अगर ये रेगुलर कोर्स हो जाते हैं, हाँ जी, तो ये जैसे मैंने आपको बताया MA हिंदी, MA राजनीति शास्त्र, इनका शुल्क ज्यादा से ज्यादा 2,500 या 3,000 होगा, लेकिन स्वामित्व कोर्स से जो संचालित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो शुल्क है, प्रवेश शुल्क है, वो 13,000 रुपए है। आइए जब इसका शासकीयकरण हो जाएगा तो ये 3,000 का मामूली शुल्क से छात्र कहीं ना कहीं प्रवेश ले पाएंगे और इन पाठ्यक्रमों को पढ़ पाएंगे। तो इस मांग पर क्या प्रशासन क्या कह रहा है, क्या उत्तर दिया है आपको? इस मांग पर उन्होंने बोला है महाविद्यालय प्रबंधन ने कि सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया गया है, जल्दी जल्दी इस दिशा पे वो लोग कदम उठा रहे हैं, अब वो लोग लगे हुए हैं अपने स्तर से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश सचिव हेमंत शर्मा जी, जो महाविद्यालय परिसर में व्याप्त असुविधाओं के बारे में शिकायतें और जो भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है उसके बारे में हमें बता रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि महाविद्यालय परिसर द्वारा जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और छात्रों की समस्याएं या उनकी जो भी शिकायतें हैं उनका निराकरण हो सकेगा। धन्यवाद, देखते रहिए वोकल न्यूज़ शेड्यूल।